उस समय का ये भाव है कि जब भगवान कृष्ण बरबरीक जी को छलिया बनकर के छल लेते हैं, और यहाँ का ये भाव होगा बाबा खाटू श्याम जी का। आइए चलते हैं। कि कई देवता इस जमाने में, कई देवता इस दुनिया में है, सबके रूप सुहाने हैं। और खाटू में जो सज कर बैठा, और हम उसके दीवाने हैं। हारे का वो सहारा है, और इससे ज्यादा कोई राज नहीं। और जिसके सर पर हाथ हो इसका, और इससे महंगा ताज नहीं। ख्वाबों की सजी थी महफिल, पर हसरत नीलाम हो गई। और तूने एक नजर क्या देखा सांवरे, मैं तो तेरी गुलाम हो गई। और ये भाव है बाबा का, हो दर्श करने आई श्याम तेरी दीवानी। क्यों बाबा? और तेरे लोक में, और तेरे जैसा, और ना कोई भी दानी। एक बार सभी बोलेंगे हारे के सहारे की। श्याम प्यारे की। आधे बोल रहे हैं जय, आधे बोल रहे हैं जो बोलेगा जय, सुनना ध्यान से, जो बोलेगा जय उसका दूर होएगा भय। जो बोलेगा जय उसका दूर होगा भय, और जो ना बोलेगा जय उसके घर में चोरी होगी। अब बोलो जय, बोलो सच्चे दरबार की। वैसे लड़कियां तो कन्या का रूप होती है, छह हो जाओ नौ हो जाओ, नौ देवी तो नौ दुर्गा का रूप, पर दादियों का तो माथा बिगड़ जाता है अगर घर में चोरी हो जाए तो, है ना। बोलो सच्चे दरबार की। और चलेंगे दर्श करने आई श्याम तेरी दीवानी। दर्श करने जिनको खाटू श्याम जी कहा जाता है, श्री बरबरीक जी के महाराज के पास। और घटोत्कच सुत मोर विनंदन, घटोत्कच सुत मोर विनंदन, महाभारत में आए। घटोत्कच सुत मोर विनंदन, महाभारत में आए। एक तरफ पांच पांडव, और एक तरफ कौरवों की इतनी बड़ी सेना। तीन बाण थे मात्र, तीन बाण लेके बड़े खुश होके चल रहे हैं। भगवान ने देखा, कृष्ण ने देखा, और तीन बाण तरकस में ले लिए। तीन बाण तरकस में देख के कृष्ण जी मुस्काए।
कन्हैया बोले सुनो तीन बाण से कौन सा युद्ध जीत लोगे, थोड़ा सा ट्रेलर तो दिखा दो, ऐसा ना हो बेटा तुम जाओ लड़ने के लिए बेइज्जती हो जाए। और तीन बाण में फतेह करोगे, इनसे कैसे फतेह करोगे, हो इज्जत की हानि तरस करने आए, शांति की हानि तरस करने आए, शाम मेरी खत्म कर सकता हूँ, दो बाण फिर भी बचते हैं। बोले पहले मैं देखना चाहता हूँ, भगवान ने जैसे ही कहा तो बरबरीक जी ने अपना एक बाण निकाला और जैसे ही बाण निकाला तो वहां वृक्ष था, उस वृक्ष के संपूर्ण पत्तों को बरबरीक जी ने एक ही बाण से बींध दिया। बोलो खाटू नरेश की। लेकिन भगवान तो ठहरे, भगवान परीक्षा ले रहे थे और एक वृक्ष का पत्ता भगवान ने अपने चरण के नीचे दबा लिया और जब एक पत्ता बचा तो वही बाण भगवान के चरणों की ओर घूमने लगा। बरबरीक जी मुस्कुरा गए, बोले पैर अभी भी हटा लो, फिर आगे कुछ होता है तो मेरे को मत बोलना। तो ये थे बरबरीक जी महाराज और कहा और एक बाण में सबको मारूं, एक बाण में सबको मारूं, बच्चे दो बाण हमारे, एक बाण में सबको मारूं, बच्चे दो बाण हमारे। इतनी कह के पेड़ के पत्ते, इतनी कह के पेड़ के पत्ते बींध दिए थे सारे, इतनी कह के पेड़ के पत्ते बींध दिए थे सारे। पांचों पांडवों ने देखा, वाह माधव, और पांचों पांडव और कृष्ण को, पांचों पांडव और कृष्ण को देख हुई है रानी दर्श करने आए, शाम तेरी ही रानी दर्श करने आए, शाम तेरी ही रानी। सुनो महाराज, युद्ध में जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। भगवान बोले ये तो गड़बड़ हो जाएगी। पांचों पांडव बोलने लगे महाराज ऐसा नहीं हो कभी जीता हुआ युद्ध ये हमें हरवा दे, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। बरबरीक जी बोले मैं, बरबरीक जी बोले मैं, हारे का बनू सहारा, एक बाण से महाभारत का, एक बाण से महाभारत का युद्ध खत्म करूं सारा, एक बाण से महाभारत का युद्ध खत्म करूं।
सुन के सब पड़ गए सोच में, पड़ गई थी है रानी दर्श करने आए, शाम गई थी वाणी दर्श करने आए, शाम गई थी शीश का दान करना होगा। भगवान मुस्कुरा गए, बरबरी जी महाराज मुस्कुरा गए। हो इतनी कह के श्री कृष्ण ने, इतनी कह के श्री कृष्ण ने शीश मांग लिया दान, इतनी कह के श्री कृष्ण ने शीश मांग लिया दान। हंसते हंसते शीश काट किया, हंसते हंसते शीश काट किया चरणों में प्रणाम, शीश काट किया चरणों में प्रणाम। प्रियंका हरि राम बेसले, प्रियंका हरि राम बेसले, दादी कथा पुरानी दर्श करने आई, शाम गई दीवानी दर्श करने आई, शाम गई। बोलो बाबा मोहन राम की।